हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज कुछ खास बनने वाला है, तो क्या है वो? तो कुछ खास नहीं है। आज आयु का मन था राजमा चावल खाने का, तो बस मैं राजमा बना रही थी। तो चलते हैं आप लोगों के साथ, बात करते करते ये राजमा भी बन जाएगा और आप लोग से बात भी हो जाएगी। सो देखते हैं मैं कैसे राजमा बनाती हूँ। और आपको पिछला वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट नहीं किया, वो निमोना का जो मैंने वीडियो डाला था, तो कैसा लगा आप बताया कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सो चलते हैं आगे, जो प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपके साथ साथ ही करती हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं राजमा बना रही थी, तो यहाँ पे मैं बस प्याज को चॉप कर ले रही थी। चॉपर होने से जल्दी हो जाते हैं ये सब काम, काटने छाटने वाले। तो बस यहाँ पे प्याज मैंने काट लिया था, दो प्याज लिया था मैंने बड़ा साइज़ में, बस उसको चॉप कर लिया है। और आज बहुत दिनों के बाद राजमा बनाया था मैंने, क्योंकि वही हो जाता है, बच्चों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। मुझे उतना पसंद नहीं राजमा, ना मेरे हस्बैंड को, लेकिन आयु को बहुत पसंद है, तो उसके लिए बनाना था मुझे आज। तो कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें तेल डाल दूंगी गर्म होने के लिए। राजमा का भी बहुत सारा वैरायटी होता है। ये मैंने छोटा छोटा एक आता है रेड कलर का, वो राजमा लिया है। इसमें वाइट कलर का जो राजमा आता है वो भी टेस्टी होता है बनने में, लेकिन ये रेड वाला था जो मैंने लिया था। तो बस तेल गरम हो गया था और तेल में मैंने तेज़पत्ता, दो सूखी लाल मिर्च और जीरा डाल दिया था तड़के के लिए। हींग भी डाला था मैंने इसमें, पता ना भूल गई मैं, हींग डाला था, क्योंकि ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में आसानी हो जाती है हींग डालने के बाद, तो हींग भी डाल दिया था मैंने। तो बस ये प्याज चॉप हुआ हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और प्याज को बस भून लूँगी साथ में, हल्का जब वो ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आगे के मसाले पड़ेंगे इसमें। और लगे हाथ, आपको पता है किचन मेरा क्लीन रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, बिखरा किचन मुझे पसंद नहीं है। तो बस मैं यहाँ बर्तन पड़े थे एक दो, तो बस मैं क्लीन कर रही थी। और लंच में बन रहा था राजमा चावल, तो इस समय में भी 11:30 बज रहे होंगे। धूप भी देखो आप बहुत अच्छी निकली थी। बर्तन धुल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किचन का आधा काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि बर्तन से ही किचन भरा भरा लगता है। गंदे बर्तन रहते हैं तो फिर किचन भी नहीं सही लगता, ना काम करने का भी इच्छा नहीं होता। रात का बर्तन वैसे मैं रात में ही धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर उठ के किचन में आओ तो ऐसे ही सर दर्द हो जाता है गंदे बर्तन देख के। फिर पहले धो बर्तन, फिर कुछ काम करो किचन में। तो रात के बर्तन मैं कभी भी नहीं छोड़ती, रात के बर्तन मैं धुल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आलस कर देने से फिर सुबह सुबह का टाइम ख़राब हो जाता है, बर्तन धुलना पड़ता है सुबह सुबह। सो मैं रात में ही धुल लेती हूँ। वही है, करना तो है ही, रात में करो या सुबह करो, तो मैं बस रात में ही कर लेती हूँ। चलो सुबह 10-15 मिनट लेट भी उठी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर जल्दी उठ के धो, तो इसलिए मैं रात के बर्तन रात में ही क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह कोई हेडेक ना हो। तो बस यहाँ बर्तन क्लीन हो गए थे, और इसके बाद
एक दो बर्तन थे इधर। एक तो मैंने सिंक के ऊपर ही अपना बर्तन स्टैंड लगाया, तो मेरे एक मेरा फायदा हो जाता है कि मुझे बर्तन रखने नहीं पड़ते हैं, मतलब मैं धुलते जाती हूँ और रखते जाती हूँ ऊपर, ताकि पानी उसका सारा नीचे गिर जाए। ये देखिए प्याज भुन गया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद दो टमाटर थे बड़े साइज के, उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था, उसको ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद ये ऐसा दिख रहा था, देखिए ग्रेवी भी थिक हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। टमाटर में कंजूसी नहीं करना है, टमाटर बड़े बड़े साइज के हैं तो दो ले लो और छोटे साइज के हैं तो तीन ले लो। बस ये टमाटर पक जाए 2-3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक जीरा पाउडर बस इतना डाला था। गरम मसाला बाद में डाला था मैंने, इसमें साथ में नहीं डाला। जब ये राजमा उबल गया था, एक दो उबाल आ गई थी ना, उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला और हाँ गरम मसाला और 1 चम्मच घी डाली थी लास्ट में। ये नमक ऐड कर दिया है, ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अच्छे से भूनना है इसको ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। और जो भी राजमा मैंने बॉईल किया था, सीटी लगाई थी इसको मैंने, 5 या 6 सीटी लगाई थी, तो आप चेक कर लेना आपके पास कैसा राजमा है उसके अकॉर्डिंग ही। ओवर कुक नहीं करना राजमा को, क्योंकि फिर ये मसालों में भी पकता है तो फिर ओवर कुक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये देखिए यमी लग रहा है ना। वैसे तो मुझे नहीं पसंद है राजमा, लेकिन चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है। और आयु तो उस दिन पता नहीं क्या हो गया था उसको, बार बार मांगे जा रहा था, मम्मा राजमा दे दो और थोड़ा दे दो और थोड़ा दे दो, उसको पसंद आया था। फिर मैं यहाँ थोड़े बच्चों को लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो होमवर्क वगैरह रहता है ट्यूशन का भी। तो वैसे तो स्कूल खुल गए हैं यहाँ भी, देखते हैं बच्चों को कब से भेजते हैं। तो यहाँ पे बस बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और राजमा बन चुका था, तो मैं खाना वाना बना के बैठी थी यहाँ पे, चावल चढ़ा था। तो चावल बनने के बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया, फिर खुद खाना खाया था। तो उसके पहले मैं पढ़ाने बैठ गई थी बच्चों को। बच्चे वही बात हो जाती है, साथ में तो बैठना ही पड़ता है, आप कितना भी ट्यूशन लगा लो कुछ भी कर लो, घर पे तो आपको गाइड करना ही पड़ता है बच्चों को। और वशु यहाँ बहुत परेशान कर रही थी, तो मैं उसे डांट रही थी, लिखती नहीं है ढंग से, बहुत शैतानी करते हैं बच्चे। आयु को तो चलो उसका कुछ याद करने का था तो मैं उसे सुन रही थी। वसु अपने मन की है ना, छोटी है वो, अपने मन की उसको जो मर्जी होती है वो वही लिखती है, वही याद करती है, वही सुनाती है। तो उसको मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो उसको डांट पड़ जाती है। वो पापा रहते हैं तो डांट भी नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो पापा की लाडली है, पापा से फिर शिकायत होने लगती है, मम्मा ने डांट दिया, मम्मा ने डांट दिया, फिर मम्मा की डांट पड़ जाती है, मम्मा की क्लास लग जाती है। ऐसा ही चल रहा है फिलहाल तो, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक तो बच्चों को देखना ही है।
तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और कैसा लगा राजमा चावल बस ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो ट्राई करके देखिएगा, आप भी खा के देखिएगा कैसा लगता है। यहाँ पे बस बच्चों को पढ़ा के मैंने खाना निकाला था।